और ये शिव सहाय शर्मा सम्मानीय बड़े भैया क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप इस बिटिया को मिला है। आप सभी का ये प्यार आशीर्वाद, ये हमारा सौभाग्य है जो आज हम यहाँ पर आए और आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिला, हम तो धन्य हो गए हैं। बस एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए फिल्मी दुनिया वालों ने एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाया। आइए, जैसा कि अभी हमारी बड़ी दीदी खड़ी हुई, हमको इतना सारा प्यार सम्मान आपसे बहुत मिला, जैसे आप कह रही है इतना लगाव लग गया, ऐसे मुझे भी कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं आपसे मिलूंगी। मेरा ये एक सपना था कि कभी आपके दर्शन हो, आपसे आशीर्वाद मुझे मिले, लेकिन मन में कभी ये भी ख्याल आता था कि शायद दीदी अगर हमको देखे तो शायद हमसे बात ना करें, अगर मैं उनके मंच तक जाऊं और शायद हो सकता है दीदी मुझसे बात भी ना करे, क्योंकि भाई वो बड़ी कलाकारा है। लेकिन जब मैं पहली बार दीदी से मिली तो दीदी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, जीजा जी ने भी बहुत ही मान सम्मान दिया, क्योंकि पहली बार वो मुलाकात थी बहराइच में, पूनम आजाद जी से जवाबी कीर्तन था आपका, वहां पर मुझे बहुत मान सम्मान आपसे मिला और वहीं से मुझे बस एक स्वरूप में मेरी बड़ी दीदी नजर आई और वहीं से मैंने आपको अपना आदर्श गुरु मान लिया। और आज का ये दिन है जो आज आपने इतना मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्य 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 हो गई हूँ और सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की बस कामना है। आइए, महामाई के दरबार में कहना है, आजकल साउंड डीजे में हमेशा ये गीत बज रहा है और सभी का सुना हुआ है, तो ये कहना है, कहना है, तेरी आँखियाँ कायों का जल, सुनिएगा और हमारी बड़ी दीदी गुरु जी सुनिएगा और जीजा जी ध्यान दीजिएगा। कहना है, एक समय की बात है, दो मित्र इकट्ठा हुए। पहले वाले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, चलो भैया कुंभ स्नान कराते हैं। तो दूसरे वाले मित्र ने कहा, भैया कुंभ स्नान करने मैं क्यों जाऊं, वहां पर क्या है? उन्होंने बताया, वहां पर जमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, गंगा जी हैं। तो पहले वाले भैया ने कहा, अच्छा तो बात क्या है बताओगे? दूसरे वाले भैया ने कहा, अगर देखा जाए तो ये सब मेरे घर में ही विराजमान है, मैं कुंभ स्नान करने नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, भैया अच्छा अगर आप यहाँ नहीं चल सके तो कम से कम हरिद्वार ही चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैं हरिद्वार भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हरिद्वार भी मेरे घर में विराजमान है। ये क्या बात। और जब पहले वाले मित्र ने कहा, भैया
ये सब देखा जाए तो मेरे घर में विराजमान है। तो जब सारी बात दूसरे वाले मित्र ने सुनी तो उसने भी अपना इरादा बदल दिया। उसने भी कहा कि मैं भी अब दर्शन करने नहीं जाऊंगा, स्नान करने नहीं जाऊंगा। तो उसकी बातों को जो सुना, सुनिएगा कहना क्या है। कहना है दूसरे वाले मित्र ने क्या कहा पहले वाले मित्र से, गंगा जल सी मेरी माँ, गंगा जल सी मेरी माँ, जमुना जल सी दादी माँ, गंगा जल सी मेरी माँ और जमुना जल सी मेरी दादी माँ है। लेकिन और सुनो, सरयू जल सी मेरी बहना, रब ससी माँ के आचल माँ, कि सरयू जल सी मेरी बहना और रवि ससी माँ के आचल माँ है। लेकिन एक बात और सुनो, पावन चरण पिता का है हरिद्वार बना, पावन चरण पिता का है हरिद्वार बना, और पावन चरण पिता का है हरिद्वार बना। अरे मेरे लिए मेरी माँ का चरण स्वर्ग का द्वार बना, अरे मेरे लिए मेरी माँ का चरण स्वर्ग का द्वार सारे पुरस्कार आए हैं। सभी को हृदय से नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद पाने की का। हेलो चिक, हेलो हेलो, बोल दे साची दरबार की जय, बोल दे महामाई के प्यार की जय। जितने भी यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग समान, हमारे पिता तुल्य बड़े दादा लोग बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, इधर माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी सम्माननीय बड़ी गुरु दीदी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद लेने की कामना करती हूँ। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही आपकी इस बेटियों को मिलता रहे, तो ये बेटू भी ज्यादा कुछ नहीं, बस आशीर्वाद से आपके बढ़ने लगेंगी। एक बार जोरदार हमारी दीदी जी के लिए ताली हो जाए। और जितने भी इधर हमारे गुरुवर लोग बैठे हैं, सामने बड़ी दीदी नीलम विश्वकर्मा जी बैठी हुई हैं, आपको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। जितने भी आपके मंच पर सक्षम साथी लोग आपके हैं, इधर हमारे गुरुवर लोग बैठे हैं, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आज मैं आप सभी के बीच में खड़ी हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ दीदी का प्यार है, आशीर्वाद है जो यहाँ तक मुझे ले आया है। बस आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। बोल दे सच्चे दरबार की जय, बोल दे महामाई के प्यार की जय। महामाई के दरबार में बस इतना ही कहना है माँ, कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, अरे लहरों का पानी हाथों से उठाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने।
जाता। आइए महामाई के चरणों में एक छोटा सा गीत है। दरबार सजा है, कन्हैया जी और राधा जी साक्षात विराजमान हैं, लेकिन ये धरती माँ से शुरू होती है और माँ से ही खत्म होती है, क्योंकि हम जैसे बच्चों को जन्म देने वाली भी एक माँ होती है। तो ये कहना है माँ, माँ के रूप अनेक हैं, कभी माँ नारी माँ बन जाती है, कभी वही नारी बेटी बन जाती है, कभी बहू बन जाती है, तो कभी जन्म देने वाली माँ बन जाती है। आइए कहना है माँ, द्वार ये खास है, कहना है माँ, द्वार ये खास है, सबको विश्वास है, द्वार ये खास है माँ, क्योंकि आपका ही दरबार ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी दुविधा है माँ, तो सीधे आपके ही चरणों में ये भक्त आते हैं। तो इसलिए कहना है माँ, द्वार ये खास है, सबको भी सेवास है, लाली माँ बन गई हो तुम, लाली माँ बन गई हो माँ, और आप ही माँ, जब दुष्टों का अत्याचार इस धरती पर बढ़ गया, महिषासुर का अत्याचार जब इस धरती पर बढ़ गया माँ, तो आपने ही काली का अवतार भी रखा माँ, और इसलिए कहना है माँ,
लालिमा बन गई हो तुम, और इतना ही नहीं माँ काली माँ बन गई हो तुम। बन गई हो माँ, लेकिन एक बात और भी कहनी है माँ, क्योंकि ये माँ अगर बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकंज आ जाए तो माँ तुरंत पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्योंकि माँ को सहा नहीं जाता है बच्चों का दुख। बेटे भले ही माँ से दूर हो जाए पर माँ की आंखें हमेशा नम रहती है अपने बच्चों की याद में। इसलिए कहना है माँ, माँ सदा पुत्र पे आरिये भारी भरकम मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप हमारे सम्माननीय बड़े जीजा जी आपके कर कमलों द्वारा इस बच्ची को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपको सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की कामना है और कहना है माँ, माँ सदा पुत्र पे सुख लुटाती रही, माँ सदा पुत्र के दुख मिटाती रही। दुख को मिटाती रही क्योंकि हे जगत जननी माँ आप ही अपने बच्चों का उद्धार करने वाली हो। ये क्या बात है, और इसीलिए कहना है माँ, माँ सदा पुत्र पे सुख लुटाती रही, माँ सदा पुत्र के दुख मिटाती रही। और ये देखिए भारी भरकम पुरस्कार भैया हमको बार बार आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है, बस ये आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है। हमारी सम्माननीय बड़ी दीदी नीलम विश्वकर्मा जी की तरफ से ये ढेर सारा आशीर्वाद इस बहना को मिला है। दीदी को सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की कामना है, क्योंकि आप सभी बड़ों का ही आशीर्वाद इस बच्ची को आगे तक ले जाएगा। क्योंकि आज अगर आज देखा जाए तो आप ही हमारे माँ बाप हैं और आपका आशीर्वाद सर्वोपरि है। इसलिए आइए महामाई के दरबार में कहना है, महामाई पुत्र के सुख की माँ, यही माँ अंधों के आँख की ज्योति माँ बन गई हो तुम, काली माँ बन गई हो तुम। यही माँ पुत्रों के साथ की और अंधों के आँख की ज्योति माँ बन जाती है कभी कभी, क्योंकि अगर बच्चा भूले से अंधा पैदा हुआ या पैदा होने के बाद अंधा हुआ तो माँ ही उसकी लकड़ी बनती है, माँ ही उसके नैनों की ज्योति बनती है, माँ सर्वोपरि है। इसलिए कहना है माँ, क्योंकि कहा गया है जो जन्म देती है वो भी माँ कहलाती है, लेकिन जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है वो भी माँ कहलाती है। क्योंकि देवकी मैया ने कन्हैया को जब जन्म दिया और माँ यशोदा ने पाल पोस कर बड़ा किया, तो कहना है माँ, बन के माता कही सुत का पालन करे, बन के दाता कही
है मजदार में तो पार भी वही मैया रानी करती है। बस फर्क ये होना चाहिए कि भक्त को सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। और इसलिए कहना है माँ सती सीता तुम्हें कहना है माँ आप ही शक्ति सीता का रूप भी धर लेती हो माँ। इसलिए कहना है माँ शक्ति सीता तुम्हें भोल सो नाथ की नारी माँ बन गई हो तुम। हे माँ शक्ति सीता तुम्ही भोले शिवनाथ की और नारी माँ बन गई हो तुम। और इसलिए कहना है माँ काली माँ बन गई हो हुआ। माँ शब्द छोटा है लेकिन उसमें अमृत अपार है, क्योंकि अगर माँ का वर्णन करने बैठ जाए तो पेन की स्याही खत्म हो जाएगी मगर माँ का वर्णन नहीं खत्म होगा, माँ का गुणगान नहीं खत्म होगा। तो इसलिए कहना है माँ आयोजन रखा गया है, जिनके द्वारा संपूर्ण हो रहा है ये कार्यक्रम, हमारे सम्माननीय बड़े भैया लेखराज जी, अच्छा लेखपाल क्या बात है, राजेंद्र यादव क्या बात है, सम्माननीय बड़े भैया राजेंद्र यादव जी की धर्म पत्नी जी के कर कमलों द्वारा ये हमको बहुत ही ढेर सारा प्यार पुष्पहार स्वरूप आपको सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की कामना है। और कहना है माँ सत्य से माँ तेरी नभ दीवा कर जले नभ में आमिर लिए माँ सुधा कर जले। और ये देखिए जिसके तरफ से हमको उम्मीद नहीं थी, सम्माननीय बड़े भैया जिनको YouTube पर ही सिर्फ सुना करते थे देखते थे, आज हमारे सामने बैठे हैं और मुलाकात भी हो गई, क्योंकि आपका कोई जोड़ नहीं है, आप बेजोड़ हैं। क्या बात, बहुत बड़ी, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही अगर मिल गया है हमको तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, आपको सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की कामना है। तालियां तालियां। और ये सम्माननीय बड़े भैया, भैया नाम नहीं जानते ये, अच्छा अच्छा दादाजी क्योंकि हम नए हैं, अच्छा अच्छा श्री देवेंद्र तिवारी हमारे सम्माननीय बड़े दद्दा, आपको हृदय से नमन है, प्रणाम है, सत सत नमन है, आशीर्वाद पाने की कामना है, आपके तरफ से ये भारी भरकम पुरस्कार आया है, आपको हृदय से प्रणाम है। मुकेश कल्पना से दूर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है दीदी तुम्हारी बात है, आइए महामाई के दरबार में कहना है माँ नभ में आमिर
रित लिए शक्ति से जल रहे हैं। और हे मां नभ में अमृत लिए मां सुधाकर जले तो कहना है मां शक्ति से मां तेरी नभ दीवा कर जले नभ में अमृत लिए मां सुधाकर जले देखिए एक भारी भरकम पुरस्कार और हमारे सम्मानीय बड़े भैया नीलेश ज्वाला जी के कर कमलों द्वारा पुष्पहार स्वरूप आशीर्वाद आया है। दद्दा को सत सत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद पाने की कामना है। और आइए कहना है मां सारे संसार की सारे संसार की करता धरता तुम्ही साधना बन गई हो तुम। और इतना ही नहीं मां मेरी मां बन गई हो तुम। और इस कल्पना की मां वंदना बन गई हो तुम। मैंने कल्पना का गाना आज तक कभी नहीं सुना, यूट्यूब पर भी नहीं सुना, सत्य बताऊं। लेकिन आपसी इतना लगाओ इतना प्रेम आज मैंने पहली बार कल्पना को सुना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे लायक तो कुछ भी नहीं हूं मैं, ना ज्ञान ना शिक्षा ना कोई योग्यता है मुझ में, लेकिन आप हमारे परिवार में शामिल हुई हैं। तो ये जो बड़े लोग आपको मिल रहे हैं, हमारे चाचा दीक्षित जी, मुकेश भैया और भी हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, आपके पग पग पर साथ हैं। आप जहां जिसको आवाज देंगी वो हर कदम पर आपके साथ खड़ा मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे और हर तरह से। तो बस इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए। हेलो हेलो, बहुत सुंदर भाई हमारे नीले ज्वाला जी, पांडे जी, थोड़ा सा दो मिनट का विराम चाहूंगा। एक विशेष कार्यक्रम अभी हमको सूचना मिली है। हमारे मंच पर एक प्रिया गोंडा से आई है, कल्पना आजाद जी। हालांकि हर ये तो हर के साथ रहते हैं, हर कीर्तन कलाकार कल्पना में ही डूबा रहता है। और खासतौर से हमारे जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मुकेश जी विशेष कल्पना में डूबे रहते हैं, ये कल्पना से निकल आए। लेकिन जब तक कोई आश्रय ना मिले, गुरु ना मिले, तब तक माना जाता है कि कलाकार अभी अपूर्ण है। और वही दशा हमारी कल बिटिया कल्पना आजाद के साथ है। आज इन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि हम क्रांति माला जी को
अपना आश्रय चुने हैं। और चूंकि क्रांति माला हमारी बिटिया है, उन्होंने कहा चाचा जी इसका हमें आदेश चाहिए आपसे और आपके द्वारा ही घोषणा चाहिए। तो मुझे इस बात का हर्ष है कि आज हमारे गुरु दादा हरिकृष्ण का परिवार में कुछ थोड़ा सुवृद्धि होने जा रही है। तो आज मैं इस सारे समाज के सामने आज से घोषणा करता हूं कि आज से कल्पना आजाद जी हमारे परिवार की सदस्य हैं और हमारा परिवार इनको अपने परिवार के सदस्य की तरह, जैसे सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा पूरा परिवार प्रयास करेगा और आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहेंगे, इस बिटिया को आशीर्वाद दें। लेकिन जहां तक गुरु बनने की बात है तो हम चाहते हैं कि कल्पना जी हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए कहीं गुरु का आश्रय लेना चाहती हैं तो मैं बिटिया क्रांति माला से ये आग्रह करूंगा, चाचा होने के आने आदेश देता हूं कि खड़े होकर के इस बिटिया को अपनी शिष्या स्वीकार करें और हमको बब्बा बनाएं। लीजिए कार्रवाई संपन्न हुई। आज से कल्पना आजाद जी क्रांति माला जी की शिष्या और दादा हरिकृष्ण के परिवार की सदस्य हुई। मैं इस मंच के माध्यम से दादा के परिवार में कुछ उन्होंने कहा कि दादा चाचा आपसे हम घोषणा कराना चाहते हैं, तो हम आप दादा के परिवार से घोषणा करते हैं कि आज से बिटिया हमारे परिवार में सम्मिलित होगी, हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। और आज से निवेदन करें, तुमने गुरु जरूर बनाया है क्रांति माला जी को, लेकिन आज के बाद जहां कहीं भी कार्यक्रम शुरू करना, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं अगरबत्ती लगाते समय गुरु माता को तो खैर ठीक है स्मरण करना, लेकिन साथ ही साथ दादा हरिकृष्ण को इष्ट मान करके कार्यक्रम शुरू करना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको आगे बढ़ने की राह प्रशस्त होगी। धन्यवाद। इसी के साथ ही अब मैं चाहता हूं कि अगली कड़ी में हमने जिसको अपने परिवार की सदस्य बनाया है वो साधारण बिटिया नहीं, एक बार जवाबी हमसे भी गा चुकी हैं, याद है कल्पना जी? कल्पना आजाद जी आप हमसे एक बार गा चुकी हैं जवाबी। अरे तुमको याद नहीं, हमको याद है। और इधर बिल्लौर में आपने हमसे जवाबी गाया है, तो मैं चाहता हूं कि हमने सुना है लेकिन आप सभी लोग सुन लें। तो अगली कड़ी के रूप में हम चाहते हैं कि कल्पना आजाद जी आए और अपना एक बढ़िया सुंदर सा जो भी आपका पसंदीदा गीत हो उसको स्वीट ऑन स्टार्ट लेकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहता हूँ। आइए कल्पना आजाद जी। हेलो चेक